नमस्कार दोस्तों, कोरोना महामारी के इस लॉकडाउन में आज 1 अप्रैल 2020 को वर्क फ्रॉम होम के तहत आज मैं एक और प्लांट फैमिली जो हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी हुई है उसके बारे में मैं कुछ आपको जानकारी दूंगा इस व्याख्यान के अंदर। आशा है कि आप इसे पसंद करेंगे और किसी भी तरह का कोई भी फीडबैक अगर आप देंगे तो वो मेरे को और आगे इम्प्रूव करने में मेरे को मदद देगा। मैं आज जिस फैमिली की बात कर रहा हूँ वो फैमिली हमारी दैनिक जीवन में उसके जो प्लांट्स हैं वो हमारे बहुत काम आते हैं। जैसे मैं जिस क्रूसीफेरी फैमिली की बात कर रहा हूँ, एक्चुअल में ये क्रूसीफेरी फैमिली का जो नाम है क्रूसीफेरी, ये क्रूस से वर्ड आया हुआ है, सूली, सूली पर जो ईसा मसीह को जो सूली पर चढ़ाया गया था। एक्चुअल में क्या है, इन पौधों के जो पुष्प हैं उनका ओरिएंटेशन, उनके दलों का जो ओरिएंटेशन है वो बिल्कुल क्रॉस के तौर पर होता है, इसलिए क्रॉस रूपी इसका वो ओरिएंटेशन दिखाई देता है, इसलिए हम इसको क्रूसीफेरी फैमिली नाम इसका रखा गया था। लेकिन आज इसका नाम बदल करके ब्रैसिकेसी इसका नाम कर दिया गया है और ये बड़ी कॉस्मोपॉलिटन फैमिली है। पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर इसके प्लांट्स मिलते हैं, स्पेशली जो हमारे पृथ्वी का नॉर्थ हेमिस्फीयर है उसके टेम्परेट या शीतोष्ण जो एरिया हैं वहाँ इसके प्लांट्स बहुतायत के अंदर इसके अंदर मिलते हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर इसकी करीबन 375 इसके जेनरा हैं, 3200 इसकी स्पीसीज हैं और भारत में इसके करीबन 51 जेनरा इसके भारत में मिलते हैं और 140 स्पीसीज हमारे इंडिया में इसकी मौजूद हैं। अब ये फैमिली क्रूसीफेरी फैमिली की जो मैं इतनी बात कर रहा था कि इसके क्या लाभ हैं, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि इस फैमिली के जो पौधे हैं ऑर्नामेंटल प्लांट्स के इसके अंदर बहुत मिलते हैं, जैसे चिरियंथस चिराई है, वॉल फ्लावर जिसको कहते हैं, ल्यूनेरिया है, मेथियोला है जिसको हम स्टॉक फ्लावर बोलते हैं, इसी तरह से एलाइसम या लोबलेरिया है और चांदनी है जिसे हम कैंडिडफ्ट हमारा आइबेरिस हमारा जिसको बोलते हैं, कैंडिडफ्ट इंग्लिश में बोलते हैं इसको चांदनी को, इस तरह से नॉस्ट्रशियम है जिसको वाटर क्रेस बोलते हैं और इसी तरह से एक और प्लांट है कैप्सिला बर्सा पेस्टोरिस जिसे हम शेफर्ड्स पर्स जिसको हम बोलते हैं। तो ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं। इसके अलावा इस फैमिली का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो उपयोग है वो इसमें से तेल जो प्राप्त होता है इसके पौधों के बीजों से वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको क्रूसीफेरी फैमिली को हम मस्टर्ड फैमिली भी कहते हैं क्योंकि सरसों जो है वो इसी फैमिली के अंतर्गत आता है। तो इसमें जैसे सरसों, पीली सरसों का नाम जैसे ब्रैसिका कैम्पेस्ट्रिस है, इसके हमारे को पीला सरसों का तेल मिलता है। और इस फैमिली के पौधों की एक जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि इसके अंदर सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं। आपने देखा होगा कि इसके अंदर जनरली इसके जो पौधे हैं जैसे सरसों हैं उसमें आपको एक बड़ी अच्छी पंजेंट स्मेल आती है, इसी तरह से मूली है, मूली तो बहुत फेमस है स्मेल के लिए, चाहे आप उसको रॉ के तौर पर अगर आप उसको लें, राई है और इसी तरह से आपके दूसरे तारामीरा है उसके अंदर भी एक बॉडी पंजेंट स्मेल आती है, वो सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स की वजह से होती है, इसलिए ये लाभदायक भी है। इसका तेल जो है वो हमारे स्किन डिजीज़ के अंदर भी बहुत काम में आता है। तो इसी तरह से आपके ब्रैसिका जंशिया है जिसको हम राई बोलते हैं या ब्रैसिका कैम्पेस्ट्रिस तोर की एक वैरायटी है तोरिया, उससे भी हम तेल हम प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से ब्रैसिका नाइग्रा है जिसे हम काली राई बोलते हैं या ब्रैसिका अल्बा है जिसे हम सफ़ेद सरसों बोलते हैं, इरुका सटाइवा है जिसे हम तारामीरा बोलते हैं और ब्रैसिका नेपस है जिसे हम काली सरसों भी बोलते हैं। और इसी तरह से जो सिसिम्ब्रियम इरियो खूब कलाओं को बोलते हैं, उसके बीजों से भी जो है तेल प्राप्त होता है। और इनकी जैसे अब शलजम है, शलजम भी इसी के अंदर आता है, ब्रैसिका पर जो है इसकी इसमें भी स्मेल जो वो पंजेंट स्मेल है वो इसी सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स की वजह से आती है। और ये पौधे जब तेल इसका निकाल लिया जाता है तो इसके जो पीछे केक बसते हैं या जिनको हम खल बोलते हैं वो बहुत उपयोगी होता है। हमारे पशुओं को जो हम चारा देते हैं उस चारे के अंदर खास तौर पर सरसों की जो खल है, हम कहते हैं ना जनरली कि घाणी की सरसों और घाणी की खल, ये बहुत फ़ायदेमंद होती है। ये क्रूसीफेरी फैमिली जो है ये भी एंजियोस्पर्मिक फैमिली है, डाइकोट फैमिली है, द्विबीजपत्री पौधे हैं इसके अंदर। और इसके अंदर जो वेजिटेबल्स हैं जो सब्जियों के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ही कॉमन सब्जियां हम जो अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं, जैसे फूल गोभी। जैसे मैंने आपको बताया कि फूल गोभी ब्रैसिका ओलरेशिया की वैरायटी है, एक बोटाइटिस
तो इसका जो पुष्पक्रम है या इन्फ्लोरेसेंस है उसको हम सब्जी के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से पत्ता गोभी या बंद गोभी है जो जिसका बॉटनिकल नेम है ब्रैसिका ऑलरेशिया वेराइटी है इसकी कैपिटेटा, उसकी वेजिटेटिव बर्ड्स या कायिक कलिकाएँ जो हैं वो भोजन के तौर में इस्तेमाल की जाती हैं। इसी तरह से गांठ गोभी है उसको हम नॉन नॉल बोलते हैं और बॉटनिकल नेम इसका है ब्रैसिका ऑलरेशिया और उसकी वेराइटी है कोलोरापा, तो वो भी हमारे दैनिक जीवन में भोजन के तौर पर काम में आती है। आजकल एक बड़ा ट्रेंड चल रहा है ब्रोकली का, आपने सुना होगा ब्रोकली, हरे रंग की जो गोभी आती है वो ब्रोकली बहुत न्यूट्रिटिव होती है, इसको भी हम यूज़ करते हैं अपनी सब्जी के तौर पर। तो उस ब्रोकली का नाम भी जो है ब्रैसिका ऑलरेशिया वेराइटी है इसकी इटालिका, तो ये भी इसी क्रूसीफेरी के अंतर्गत ही आती है। इसके अलावा शलजम है, टर्निप जिसको हम ब्रैसिका रैपा बोलते हैं, इसकी जड़ें जो हैं फूड स्टोर कर लेती हैं मूली की तरह, वो भी हमारी सब्जी के तौर में काम आती हैं। और मूली है, मूली का तो आपने देखा ही है कि भाई उसको सलाद के तौर पे भी लेते हैं, रेफिनस सटाइवस या जिसको रेडिश बोलते हैं, और इसके पत्ते, इसकी जड़ें, इसके फल जिसको मोगरी बोलते हैं, ये सब चीज़ें हमारे भोजन के तौर पर काम में आती हैं। इसी तरह से सरसों हैं, सरसों तो सरसों का जो साग बनता है पंजाब के अंदर तो मक्की की रोटी के साथ इसको बहुत चाव से खाया जाता है और बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिटिव होता है, जिसके अंदर विटामिन्स, आयरन्स और सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स तो खैर होते ही हैं इसके अंदर, तो बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिटिव है। इसी तरह से तारामीरा है, इसको भी कई जगह इसके जो है भोजन सब के तौर पर इसको काम में लिया जाता है रूका सटाइवा को। इसके अलावा इस फैमिली के जो औषधीय गुण है या मेडिसिनल इम्पोर्टेंस है वो भी इसकी बहुत ज़्यादा है। जैसे सरसों का तेल है, सरसों का तेल तो चिर विख्यात है कि इसको हम स्किन डिजीज़ को रोकने के लिए हम अपने इसके शरीर के ऊपर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी मालिश भी बहुत फ़ायदेमंद होती है सरसों के तेल की। इसी तरह से मूली है, मूली यदि आपने कोई हैवी फूड आप ले रहे हैं उसके साथ मूली को आप सलाद के तौर पर लेते हैं तो वो आपका डाइजेशन बहुत आसान कर देती है और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए ये मूली बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसी तरह से सिसिम्ब्रियम ऑफिसिनेल है, इसके पत्तों और इसके तनों को स्कर्वी के तौर पर हम स्कर्वी के इलाज के तौर पर हम इसको यूज़ करते हैं। और इसी तरह से नॉस्टर्शियम इंडिकम है जिसे तरह बोलते हैं, ये नॉस्टर्शियम इंडिकम जो है इसको हम लैक्सेटिव या अस्थमा की दवाई इसके तौर पर हम इसके इस्तेमाल करते हैं, लैक्सेटिव है ये। और हालिमा जिसे हम लैपिडियम सटाइवम बोलते हैं बॉटनी के अंदर, ये इसकी जो पत्तियां हैं या इसके जो सीड्स हैं वो लीवर डिजीज़ के अंदर बहुत कॉमनली काम में आते हैं। इसी तरह से कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस है जिसे शेफर्ड्स पर्स बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज के अंदर, ये बड़ा एस्ट्रिंजेंट है मतलब रक्त प्रवाह रोधी है। इसके अलावा ये एंटी स्कॉर्ब्यूटिक भी है, रक्त शोधक है, कैप्सुला जो है रक्त शोधक के तौर पर भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसका हिमेचूरिया के अंदर भी इसको यूज़ मिल जाता है, हिमेचूरिया का मतलब जैसे यूरिन के अंदर अगर किसी का ब्लड आता हो। और आपको याद होगा कि 1990-91 के अंदर एक राजस्थान के अंदर बहुत ज़बरदस्त बीमारी एक तरह से फैली थी जिसे ड्रॉप्सी कहा गया था। जब उसकी पड़ताल की गई कि ड्रॉप्सी का कारण क्या है, तब पता लगा कि जो सरसों का तेल बाजार के अंदर आ रहा है उसके अंदर आर्जिमोन मैक्सिकाना मतलब सत्यानाशी के बीच वो लोगों ने मिलावट करके और उसको बाजार में चला दिया था, तो उसकी वजह से ड्रॉप्सी की वजह से जलोदर की वजह से जो है आँखों की रोशनी चले जाना और इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस आई थी सामने। तो इसको ड्रॉप्सी के इलाज में भी कैप्सुला का जो है बहुत बड़ा रोल है, कैप्सुला को यूज़ करते हैं उसमें। इसी तरह से लोबल एरिया है जिसके मतलब इसकी एलाइसियम जो है वो गोनोरिया जो सुजाक है उसके अंदर इसका यूज़ किया जाता है लोबल एरिया का। और इसके अलावा इस फैमिली के जो जैसे राई है, राई को हम मसाले के तौर पे भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये कुछ बड़े इम्पोर्टेंट प्लांट्स इस क्रूसीफेरी फैमिली के या ब्रैसिकेसी फैमिली के हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया है। अब ये प्लांट्स कैसे हमारे को फील्ड में दिखाई देते हैं या इनकी प्लांट्स की स्ट्रक्चर कैसी है, रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी डिटेल के अंदर आपको मैं एक एक प्लांट के पास जा करके बताता हूँ। आपको गोभी का भी मैं आपको पुष्पक्रम दिखाऊंगा, फ्लावर्स कैसे लग रहे हैं उसमें, ओरिएंटेशन क्या है उसके इन्फ्लोरेसेंस का, और इसी तरह से सरसों है उसका भी मैं अभी आपको फील्ड के अंदर अभी आपको मैं दिखाता हूँ। जनरली अगर हम इन क्रूसीफेरी पौधों की अगर हम हैबिट की बात करें
तो इसमें जनरली एनुअल या बाइनियल प्लांट्स ही इसमें मिलते हैं, लेकिन हमारे राजस्थान में या बीकानेर में एक प्लांट है जो बहुतायत से मिलता है, फारसीटिया हैमिल्टोना ही है। वो एकमात्र ऐसा प्लांट है जो कि पेरिनियल है, बहुवर्षीय है। और एक में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इसमें दो प्लांट्स जो हैं, जैसे नास्टरशियम ऑफिसिनेल है और सुबिलेरिया एक्वेटिका है, ये जो दो जनरा हैं ये एक्वेटिक हैं, ये पानी के अंदर मिलते हैं, जलीय हैं। और इन पौधों की जो एक खास विशेषता है कि इनके अंदर एक करेक्टरिस्टिक फीचर है कि इनके अंदर सिक्रेटरी सेल्स मिलती हैं। उन सिक्रेटरी सेल्स के अंदर मायरोसिन एंजाइम पाया जाता है। मायरोसिन नाम का जो एंजाइम है वो इनके अंदर क्या करता है कि जो सल्फर कंटेनिंग ग्लूकोसाइड्स हैं, उन सल्फर कंटेनिंग ग्लूकोसाइड्स को ग्लूकोज और आइसोथायोसाइनेट्स के अंदर हाइड्रोलाइज कर देता है, जैसे सरसों के तेल में। और ये आइसोथायोसाइनेट्स ही हैं जिनकी वजह से इसके अंदर, इन प्लांट्स के अंदर जो है बड़ी पंजेंट स्मेल आती है, बड़ी तेज़ स्मेल आती है। जैसे मूली के अंदर आपने देखा होगा या सरसों के तेल के अंदर जो स्मेल आती है वो इन आइसोथायोसाइनेट्स की वजह से ही है। जो मायरोसिन जो एंजाइम है वो इनके जो सल्फर कंटेनिंग ग्लूकोसाइड्स हैं उनको हाइड्रोलाइज कर देता है ग्लूकोज में और आइसोथायोसाइनेट्स में। अब ये देखिए, जैसे ये सरसों का पौधा है और इस पौधे के अंदर जनरली ये क्योंकि डाइकोट प्लांट्स है इसलिए इनके अंदर जो है टैप रूट सिस्टम मिलता है। और एक खासियत है कि इनकी, इन पौधों, कुछ पौधों के अंदर इनकी जो जड़ें हैं वो जड़ें फूड स्टोरेज करके और बहुत मोटी हो जाती हैं। जैसे मूली के अंदर जो रूट्स हैं वो फ्यूजीफॉर्म हो जाती हैं मूली के अंदर, और शलजम के अंदर ये नेपीफॉर्म हो जाती हैं। अब इनके यदि हम स्टेम देखें तो ये देखिए स्टेम इनका, ये जनरली हर्ब्स हैं तो हर्बेशियस इनका स्टेम है और ये इरेक्ट होता है और ब्रांच्ड भी है। देखिए इसमें ब्रांच आपको नज़र आ रही है, ब्रांच्ड भी है, इरेक्ट है, सिलेंड्रिकल है। और ये गांठ गोभी के अंदर ये रिड्यूस हो जाता है एकदम, और उसमें फूड भी स्टोर कर लेता है। लेकिन कोरोनोपस एक प्लांट ऐसा है, उस कोरोनोपस प्लांट्स के अंदर ये जो है ट्विनर होता है इसका स्टेम। अब इनकी लीव्स अगर अपने देखें तो देखिए लीव्स के अंदर क्योंकि डाइकोट है तो ये यूनिकोस्टेट और रेटिकुलेट विनेशन इसके अंदर हमें नज़र आ रहा है। ग्रीन लीव्स हैं, ग्लेब्रस हैं। दूसरा, ये लीव्स जनरली कोलाइन होती हैं, कभी कभी ये रेमल होती हैं, मतलब कभी कभी शाखाओं पर मिलती है, जनरली ये कोलाइन होती हैं और मोस्टली ये ससाइल हैं। देखिए इसके अंदर आपको इनमें आपको इनका जो व्रंथ है या पीटियोल जो है वो हमारे को इसमें नज़र नहीं आ रहा है, और इनमें ये एक्स स्टिपुलेट है, स्टिप्यूल्स भी नहीं है। ये अल्टरनेट होती हैं लीव्स, अल्टरनेट हैं और सिंपल हैं, लोब्ड हैं और लाइरेट है। देखिए इनकी स्ट्रक्चर, देखिए ये वीणाकार स्ट्रक्चर है इनकी, ये लाइरेट है, ये वीणाकार इनकी स्ट्रक्चर होती है। और इनके अंदर बहुत तेज़ सल्फर कंटेनिंग जो कंपाउंड्स हैं उनकी स्मेल होती है। लेकिन एक डेंटेरिया बल्बी फेरा जो है उनमें, अब उनमें एक खासियत होती है कि डेंटेरिया बल्बी फेरा के अंदर अपर जो लीव्स होती हैं प्लांट की उनके एकदम टिप्स पर बल्बिल्स डेवलप हो जाती हैं जिनसे वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। और मूली के अंदर जो लीव्स हैं, मूली के अंदर और शलजम के अंदर लीव्स जो हैं रेडिकल लीव्स होती हैं। रेडिकल लीव्स का मतलब क्या होता है कि उनमें स्टेम बहुत रिड्यूस हो जाता है और ऐसा लगता है कि वो लीव्स सीधे ही उसकी जड़ों में से निकल रही हैं उसकी लीव्स, जबकि ऐसा होता नहीं है। एक्चुअल में वो स्टेम रिड्यूस होने की वजह से हमारे को ऐसा प्रतीत होता है कि वो लीव्स जो हैं सीधी मूली के जड़ में से ही हम वो लीव्स निकल रही हैं। ऐसी लीव्स उनको रेडिकल लीव्स उनको बोला जाता है, जब क्योंकि वो उनका जहाँ स्टेम है बहुत रिड्यूस हो गया है। हाँ, अब इन्फ्लोरेसेंस की अगर बात करें तो इसमें देखिए ये जैसे गोभी का इन्फ्लोरेसेंस है, इन पौधों में टिपिकली रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस होता है। रेसिमोज में भी रेसिम होता है, रेसिम क्यों होता है देखिए, रेसिमोज में रेसिम और इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर फ्लावर्स हैं। इन फ्लावर्स में आपको पेडिसिल नज़र आ रहा है, पेडिसिलेट फ्लावर्स हैं। और रेसिमोज की विशेषता होती है कि इसमें एक्रोपिटल सक्सेशन में फ्लावर लगे होते हैं। एक्रोपिटल का मतलब ये होता है कि नीचे जो फ्लावर्स हैं वो मैच्योर्ड होते हैं और यंग फ्लावर्स इसमें ऊपर होते हैं। तो नीचे कई बार आपको इसमें सीड फॉर्मेशन भी, फ्रूट फॉर्मेशन भी हुआ हुआ मिलता है। जैसे देखिए इसके अंदर आपको फ्रूट फॉर्मेशन हुआ हुआ मिल रहा है, फ्रूटिंग हुई हुई है इसके अंदर नीचे, तो ये इसके अंदर होता है। जबकि कैंडिडफ्ट या आइबेरिस अमारा, आइबेरिस अमारा के अंदर कोरिम्ब इन्फ्लोरेसेंस मिलता है। कोरिम का मतलब ये होता है कि उसमें मेन फ्लोरल एक्सिस तो लंबी हो जाती है, दूसरे जो फ्लावर्स हैं वो
उसके मेन फ्लोरल एक्सिस वाले फ्लावर के एक लेवल में आ जाते हैं, ये कॉरिम इन्फ्लोरेसेंस होता है। ये देखिए, ये जैसे ब्रोकली का इन्फ्लोरेसेंस है, और इसके अगर हम फ्लावर की बात करें तो फ्लावर के अंदर ये फ्लावर, इनमें आपको कहीं ब्रैक्ट नज़र नहीं आएगा। देखिए ये ब्रैक्ट, कहीं ब्रैक्ट नहीं है, इब्रैक्टेड फ्लावर होता है, और ये फ्लावर कंप्लीट होते हैं, इनमें सभी चक्र इसमें मौजूद होते हैं। अब ये देखिए, इसमें सरसों के अंदर जैसे मैं रूट की बात कर रहा था, ये बिल्कुल टैप रूट सिस्टम है जिसमें मेन रूट ही है, बाकी सेकेंडरी और टर्शरी रूट्स इसके अंदर ये आपको इस तरह से दिखाई दे रही है टैप रूट सिस्टम। और ये इसका स्टेम है, हर्बेशियस सिस्टम है, सिलिंड्रिकल है, और ये लीव्स हैं इसके अंदर अल्टरनेट हैं, ये लीव्स अल्टरनेट्स हैं, स्टेम इनका ब्रांच्ड है, ब्रांचिंग हो रखी है इसके अंदर, और लीव्स जो हैं ससाइल लीव्स हैं। ससाइल इसलिए हैं कि इसके अंदर पीटियोल नहीं है। और ये लीव्स की जो आकृति है, ये देखिए आप, इसमें ये वीणाकार आकृति है, लाइरेट इसको बोलते हैं, वीणाकार आकृति है इसके अंदर, और रेटिकुलेट विनेशन इसके अंदर आपको मिल रहा है। अब इसके यदि हम फ्लावर की बात करें तो इसका फ्लावर देखिए, ये इस फ्लावर में ब्रैक्ट्स कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं, और ब्रैक्टियोल्स भी कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब ये फ्लावर इसका ई ब्रैक्टिएट और ई ब्रैक्टियोलेट है, लेकिन सिसिम्ब्रियम या जिसे हम खूब कला बोलते हैं, उसके अंदर स्केली ब्रैक्ट्स पाए जाते हैं। और इस रूसीफेरी जो प्लांट है, इसकी एक विशेषता होती है कि इसके फ्लावर्स जो हैं, इसके जो कोरोला हैं वो क्रूसीफॉर्म होते हैं, ये इसकी करेक्टरिस्टिक फीचर है, क्योंकि ग्रीक क्रॉस इसके अंदर डायगोनल इसमें ये मिलते हैं 90 डिग्री के इस एंगल में। और दूसरा, ये फ्लावर्स पेडिसलेट हैं, देखिए ये इसका पेडिसल है ये, और कंप्लीट है, इसमें सभी इसके जो एसेंशियल और एसेसरी ऑर्गन्स हैं जैसे कैलिस, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, सभी इसके अंदर पाए जाते हैं। बाइसेक्सुअल है, एक्टिनोमॉर्फिक है, लेकिन कैंडिडफ्ट जो है, कैंडिडफ्ट के अंदर आइवेरी से हमारा के अंदर ये जाइगोमॉर्फिक होता है, और ये फ्लावर हाइपोगाइनस है। इसमें जैसे ये सरसों का पौधा है, इसमें हाइपोगाइनस है, लेकिन सुबुलेरिया जो प्लांट है उसके अंदर ये पेरिगाइनस होता है। जैसा कि मैंने बताया कि इसका फ्लावर जो है डाइमेरस या टेट्रामेरस होता है, दो या चार के मल्टीपल में होता है। अब इसके कैलिक्स की बात करते हैं, तो इसके कैलिक्स में देखिए, ये सेपल्स जो हैं, ये चार सेपल्स हैं, ग्रीन है और पॉलीसेपल्स है, लेकिन इस सेपल की एक विशेषता है कि इसमें जो एंटीरियर और पोस्टीरियर सेपल्स हैं वो बाहर के चक्र में हैं, और बाकी के दो सेपल्स जो हैं वो अंदर के चक्र में हैं, लेटरल हैं, अंदर के चक्र में हैं। और ये सेपल्स कैडुकस होते हैं, कैडुकस का मतलब ये होता है कि इसमें कुछ समय बाद, ये बड स्टेज में ही जनरली, कुछ अधिकांश पौधों में तो ये बड स्टेज के अंदर ही झड़ जाते हैं पौधे से, और जनरली फर्टिलाइजेशन होने से पहले ये झड़ करके अलग हो जाते हैं। इन सेपल्स का जो एस्टिवेशन है, वो एस्टिवेशन इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होता है, और कॉर्नोपस में ये सेपल्स बहुत छोटे होते हैं। अब यदि हम इसके कोरोला की बात करें, तो कोरोला जैसे मैं बार बार बता चुका हूँ कि इसके अंदर ये क्रूसीफॉर्म कोरोला होता है, ये इस फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, बल्कि इस फैमिली का नाम जो क्रूसीफेरी पड़ा है वो इसके कोरोला के इस डायगोनल ग्रीक क्रॉस 90 डिग्री के एंगल पर जो इसका ग्रीक क्रॉस बनता है, इसलिए इसका नाम क्रूसीफेरी पड़ा था। लेकिन हालांकि अब इसको ब्रैसिकेसी कर दिया है। और इस कोरोला, ये इनकी संख्या चार है, और ये पॉली पेटल्स हैं, इसका मतलब ये चारों जो इसके पेटल्स हैं वो फ्री हैं। और इन कोरोला के अंदर मैं अभी आपको निकाल के दिखाता हूँ कि ये पेटल्स जो हैं, ये दो पेटल्स के दो भाग होते हैं, ये देखिए इनके पेटल्स जो हैं, पेटल्स की एक विशेषता है कि पेटल्स के इनके दो भाग होते हैं, ऊपर वाला भाग ये क्लॉ कहलाता है, और इसके पीछे जो पतला भाग है ये इसका लिम्ब कहलाता है, ये क्लॉ और ये लिम्ब कहलाता है। और जैसे ये मस्टर्ड है, मस्टर्ड के अंदर तो चार इसमें पेटल्स मिलेंगे, लेकिन आइबेरिस में, कैंडिडफ्ट में जो एंटीरियर दो पेटल्स हैं वो बड़े होते हैं, और पोस्टीरियर दो जो हैं वो छोटे होते हैं। इसी तरह से लेपिडियम और नोस्टर्शियम के अंदर पेटल्स बहुत छोटे या एब्सेंट हो जाते हैं। कैप्सुला के अंदर क्या होता है जनरली कि स्टेमस जो है एबॉर्ट हो जाते हैं, और वो इन पेटल्स को रिप्लेस कर देते हैं, मतलब पेटल्स की जगह सिर्फ वो स्टेमस ही उसमें नज़र आते हैं, हालांकि वो एबॉर्ट हुए होते हैं। ब्रैसिकेसी के जो एंड्रोशियम है, इन एंड्रोशियम की एक विशेषता होती है, और ये इनका करेक्टरिस्टिक फीचर भी है इसका क्रूसीफेरी का, कि इसमें इनकी संख्या
जनरली 6 होती है और ये दो चक्र में पाए जाते हैं। टेट्राडायनेमस कंडीशन होती है। टेट्राडायनेमस कंडीशन का मतलब ये होता है कि बाहर के चक्र के जो दो पुंकेसर हैं, पुमंग हैं या एंथर्स हैं, वो छोटे होते हैं, ये देखिए जैसे, और अंदर के चक्र के जो चार जो पुमंग हैं ये बड़े होते हैं ये। और इन पुमंग की ये खासियत है, जैसे देखिए कि ये इनके ये फिलामेंट्स आपको क्लियर दिखाई दे रहे हैं, और इन एंड्रोशियम में आप देखिए ये जो इनके फिलामेंट हैं ये एकदम क्लियर फिलामेंट दिखाई दे रहे हैं। ये अंदर वाले चक्र के एंथर्स हैं और ये इनके एंथर्स हैं ऊपर स्टेमन के। अब एंथर्स इनके बेसी फिक्स्ड होते हैं, और मैं इसको आपको दिखा देता हूँ निकाल के, ये देखिए। और ये इंट्रोड्स हैं, इंट्रोड्स का मतलब इनकी जो ओपनिंग है वो गायनोशियम की तरफ होती है, और ये बेसी फिक्स्ड हैं, आधार लगना है, ये देखिए ये एंथर के आधार लगना है ये फिलामेंट इसके। और ये डाइथिकस होते हैं, इनके जो एंथर्स हैं वो डाइथिकस हैं। सेनेबियरा जो प्लांट है उसके अंदर स्टेमन्स की संख्या सिर्फ दो होती हैं, और वो दोनों स्टेमन्स जो हैं एंटीरियर और पोस्टीरियर होते हैं। और नॉस्टरशियम के अंदर भी इनकी संख्या 6 से कम होती है। और अब इसकी यदि हम स्त्री केसर या गायनोशियम की अगर बात करें, तो ये देखिए इस यहाँ आपको एकदम गायनोशियम एकदम क्लियर दिखाई देगी। ये तो इसके एंथर्स हैं, स्टेमन्स हैं, ये तो स्टेमन्स, और ये गायनोशियम है, इसकी ये ओवरी है और ये ऊपर स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, और हाइपोगाइनस कंडीशन है, क्योंकि देखिए इसके बाकी सारे जितने भी ऑर्गन्स हैं वो इसके ओवरी के नीचे से इसमें से निकल रहे हैं। और ये जनरली इसके अंदर यदि हम देखें तो इनिशियल स्टेज में ये ओवरी जो है यूनिलोकुलर होती है, और इसमें जो ओव्यूल्स का प्रेजेंटेशन है वो पैराइटल प्रेजेंटेशन होता है, लेकिन लेटर एज के अंदर जैसे ही ये फर्टिलाइजेशन हो जाता है या मैच्योर अवस्था में जब ये ओवरी होती है, तो उस समय इसके अंदर एक फाल्स सेप्टा बनता है। फाल्स सेप्टा बनने से ये बाइलोकुलर हो जाती है, उस फाल्स सेप्टा को रेप्लम कहा जाता है। इसमें गायनोशियम के अंदर जो बाइकार्पलरी ओवरी होती है, सिनकार्पस है, देखिए दो कार्पल्स है इसमें, जो एंटीरियर टू पोस्टीरियर इसमें दो लेटरल कार्पल्स आपको नज़र आ रहे हैं, और ये इसके ओव्यूल्स हैं जो ये यूनिलोकुलर इसकी ओवरी है। ये इनिशियल स्टेज में है, लेटर स्टेज के अंदर जब ये मेच्योरिटी होती है उस समय इसके अंदर ये यहाँ से और इस तरफ से एक ये बिल्कुल फाल्स सेप्टा बन जाता है। ये जो फाल्स सेप्टा है, इस फाल्स सेप्टा को रेप्लम कहा जाता है, और इसकी वजह से ये यूनिलोकुलर की वजह ये ओवरी बाइलोकुलर दिखाई देने लगती है, और ये पैराइटल प्लेजेंटेशन इसमें ओव्यूल्स का इसके अंदर क्लियर दिखाई दे रहा है। अब देखिए इस फैमिली का मैं आपको फ्लोरल डायग्राम समझा रहा हूँ। फ्लोरल डायग्राम में ये फ्लोरल एक्सिस है, मदर एक्सिस इसको कहा जाता है। मदर एक्सिस वाली साइड जो है हमेशा, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ये पोस्टीरियर साइड होती है फ्लोरल डायग्राम में, इसके ऑपोजिट साइड जो है ये एंटीरियर साइड है। बाहर की तरफ ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये सेपल्स हैं या कैलिक्स हैं। कैलिक्स मैंने आपको बताया था दो चक्रों में होते हैं, ये बाहर के चक्र के एंटीरियर और पोस्टीरियर वाले बाहर के चक्र में होते हैं, और लेटरल साइड में अंदर के चक्र के दो सेपल आपको नज़र आ रहे हैं। इनका एस्टिवेशन देखिए, ये एस्टिवेशन एम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है इसका, जिसमें एक अंदर, दो अंदर और दो बाहर हैं, ये एम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है। और ये फ्री हैं, पॉलीसेप्लस हैं, बिल्कुल फ्री हैं, देखिए चारों तरफ से पॉलीसेप्लस कंडीशन है। अंदर की तरफ ये देखते हैं तो ये कोरोला का एस्टिवेशन है, कोरोला या पेटल्स का। कोरोला इसके आपको चार दिखाई दे रहे हैं, क्रूसीफॉर्म कोरोला होते हैं, जैसे मैंने बताया था आपको, एकदम डायगोनली 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं। और ये कोरोला का एस्टिवेशन वाल्वेट एस्टिवेशन है, और ये कोरोला भी फ्री हैं, पॉली पेटलस कंडीशन है, एकदम दिखाई दे रही है। और इसके अंदर आपको ये अंदर के चक्र में आपको ये एंथर्स ये इसमें दिखाई दे रहे हैं, हम दिखा रहे हैं इनको, जिनमें दो स्टेमस जो हैं बाहर के चक्र में होते हैं, और बाकी ये छोटे होते हैं, बाहर के चक्र के दो स्टेमस छोटे होते हैं, अंदर के चक्र के चार स्टेमस जो हैं ये बड़े होते हैं। और इनकी एक विशेषता और होती है कि स्टेमन्स के पास यहाँ पर ये नेक्ट्रीज शो की गई हैं, इसमें ये मकरंद ग्रंथियाँ इसमें शो की गई हैं। और अंदर की तरफ आप देखिए इसमें अब ये ओवरीज हैं, ओवरी है जो बाइकार्पलरी है, सिनकार्पस है, एक कार्पल ये है, दूसरा कार्पल ये है, और इसके अंदर ये ओव्यूल जो लगे हुए हैं ये पैराइटल कंडीशन दिखाई दे रही है, ये प्लेजेंटा है इसका, और ये
फॉल्स सेप्टा है जो लेटर स्टेज में बनता है, अर्लियर स्टेज में ये यूनिलोकुलर ओवरी होती है लेकिन बाद में ये फॉल्स सेप्टा बनने से बाइलोकुलर ओवरी हो जाती है। तो और ये फ्लावर जो है एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है, आप देखिए इसको कहीं से भी आप किसी भी प्लेन से आप इसको अगर काटेंगे तो बिल्कुल मिरर इमेज बनेंगी, सिमेट्रिकल इमेजेस बनेंगी, इसलिए फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है। इसके फ्लोरल फार्मूला यदि हम लिखें तो वो फ्लोरल फार्मूला इस तरह से लिखा जाएगा। सबसे पहले क्योंकि इसका फ्लावर जो है ई ब्रैक्टिएट होता है, सहपत्र नहीं होते हैं उसमें, सहपत्र रहित होता है। इसके बाद फिर हम इसमें ये लिखेंगे कि ये बाइसेक्सुअल है, और फिर उसके बाद में एक्टिनोमॉर्फिक है, और फिर कैलिक्स के बारे में इसमें हम ये लिखेंगे कि 2+2, 2+2 का मतलब ये है कि कैलिक्स जो हैं इसके सेपल्स दो चक्रों में हैं, दो बाहर दो अंदर, और इसमें ब्रैकेट नहीं बना रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये सेपल्स आपस में फ्री हैं, जुड़े हुए नहीं हैं, पॉलीसेपल्स है। इसके बाद में हम कोरोला के बारे में लिखते हैं, कोरोला मतलब पेटल्स, इसके चार पेटल्स होते हैं, और इसके बाद में हम एक क्रॉस बनाते हैं, इसका मतलब ये है कि ये क्रूसीफॉर्म कोरोला है। और फिर इसके बाद में एंड्रोशियम, एंड्रोशियम की संख्या इसमें हम इसको लिखते हैं 2+4, 2+4 का मतलब ये हुआ कि इसमें दो स्टेमन्स जो बाहर के चक्र के हैं वो छोटे होते हैं और अंदर के जो चार स्टेमन्स हैं वो बड़े होते हैं। और फिर इसके बाद में हम इसमें गायनोशियम के बारे में हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि बाइकार्पलरी है, सिनकार्पस है और सुपीरियर ओवरी है, हाइपोगाइनस है। तो इस तरह से ये फ्लोरल फार्मूला इसका ये लिखा जाता है, और ये एपिपेटलस नहीं है, ये इस तरह से इसका फ्लोरल फार्मूला लिखा जाता है। ब्रैसिकेसी के अंदर अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो ये देखिए ये फ्रूट इसका सिलिकुआ फ्रूट है, ये ब्रैसिकेसी के अंदर सिलिकुआ फ्रूट्स होते हैं, ये पॉड्स हैं, ब्रॉड पॉड्स हैं इसकी, जबकि सेनेबीरिया के अंदर सिलिकुला फ्रूट होता है, सेनेबीरिया में सिलिकुला फ्रूट होता है। सिलिकुआ और सिलिकुला में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये होता है कि सिलिकुआ के अंदर तो ये लॉन्ग पॉड होता है, ये बहुत लंबा पॉड होता है, लंबाई के अंदर ज़्यादा होता है और इसकी चौड़ाई कम होती है, जबकि सिलिकुला के अंदर इसकी चौड़ाई और लंबाई बराबर होती है और ये छोटे पॉड होते हैं, बिल्कुल इससे बहुत छोटा पॉड होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर होती है, वो सिलिकुला कहलाता है। इस तरह दोस्तों ये ब्रैसिकेसी फैमिली के बारे में मैंने आपको बताया, हालांकि पिछली बार जो मैंने सोलनेसी फैमिली के बारे में बताया था उसमें आप लोगों के बहुत अच्छे कमेंट्स भी आए और बहुत लोगों ने आपने मेरे को अच्छा फीडबैक दिया, मैं अपने आप को बड़ा उसमें एनकरेज्ड फील कर रहा हूँ, और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने उसको बहुत सराहा और बहुत पसंद किया। इस बार भी ये जो ब्रैसिकेसी फैमिली है, यद्यपि अभी मौसम जो है इसका क्रूसीफेरी फैमिली का ऑलमोस्ट फ्रूटिंग स्टेज में है, फ्लावर इतने अच्छे मिले नहीं, लेकिन क्योंकि घर में जो साधन उपलब्ध थे, क्योंकि ये वर्क फ्रॉम होम है, कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन है तो ये घर से ही हम काम कर रहे हैं, तो घर में जो साधन मेरे को मिले या घर में जो मेरे को प्लांट मिला उसी के आधार पर मैंने आपको इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और ये मैं अपनी कोशिश में कितना कामयाब हूँ इसके बारे में मुझे आप ज़रूर आप इसमें बताइएगा, और आपका फीडबैक जो है उससे मेरे को अगले वीडियो के अंदर कोई अगला जो मैं आपको कोई फैमिली जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे उसको बनाने में मेरे को बहुत बहुत मदद मिलेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपने घर में रहिए, स्टे होम, थैंक यू वेरी मच।